वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे फ्रेंड्स, और आप लोगों की गार्डनिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पपाया का प्लांट्स कितना बड़ा हो रहा है, और इसी में ये एक मैरी गोल्ड का प्लांट भी है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। फ्रेंड्स, आज मेरे गार्डन में फिर ये क्रैनबेरी विस्कस का फ्लावर खिला हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसका साइज़ कितना बड़ा है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये डहलिया के प्लांट्स जो मैंने लगाए थे, और सब में देखिए न्यू लीफ आ गई है। फ्रेंड्स, आज का मेरा मेन टॉपिक है ये कॉक्सकॉम फ्लावर प्लांट। इसको सिलोसिया और ऊन फ्लावर भी कहते हैं, और हिंदी में इसको मुर्गा कलगी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे इसको हम लोग अपने घरों में लगाते हैं। इसकी फार्मिंग की जाती है। फ्रेंड्स, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, और इसको ये दवा में भी यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, ये देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एक हार्डी और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसका फ्लावर फ्रेंड्स देखिए, ये वेलवेट की तरह से होता है, और इसका फ्लावर ह्यूमन ब्रेन की तरह से ये देखिए दिखाई देता है। इसके डिफरेंट कलर और वैरायटी होते हैं, और जब ये अलग अलग कलर में खिलता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरे पास इसके फ्रेंड्स तीन कलर है, ये ऑरेंज और ये येलो, अभी खिला हुआ नहीं है, और फ्रेंड्स ये है रेड। इसका फ्लावर देखिए फ्रेंड्स कितना खिलता है। अगर आप फ्रेंड्स इसको ज़मीन पे लगाते हैं तो इसके ग्रोथ और अच्छी हो जाती है, और इसके चारों तरफ से इसमें जब फ्लावर खिलते हैं वेलवेट की तरह से तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये एक छोटे से पॉट में भी सरवाइव कर जाता है। ये सीड और कटिंग दोनों से फ्रेंड्स लगता है। स्प्रिंग सीजन तक इसके फ्लावर खिलते हैं ये, और रेनिंग सीजन में इसके सीड जो गिरते हैं वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, तो आप उनको अलग अलग करके लगा दीजिए। और कटिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है लगाना, वैसे ग्रो तो हो जाता है थोड़ा सा, कि सर्वाइव कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि अगर सीड से ही ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये एक साल अगर फ्रेंड्स इसको आपने लगा दिया तो बारिश में इसके सीड अपने आप निकल आते हैं, उनको आप अलग करके लगा दीजिए। ये फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने कोई प्लांट्स लगाया नहीं है, ये बारिश में इसके सीड कहीं भी जब निकल आते हैं तो उनको लेके मैंने अलग अलग लगा दिया है, और ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये, और देखने में देखिए फ्रेंड्स कितने खूबसूरत लगता है। इस प्लांट को फ्रेंड्स डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद है। इनडायरेक्ट सनलाइट में इसके फ्लावर तो आएंगे लेकिन इसका कलर अच्छा नहीं रहेगा, और ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग अगर हो जाती है तो इसकी लीफ जो है येलो वगैरह के नीचे गिर जाती है ये। अगर सॉइल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसको सैंडी सॉइल पसंद है। अगर 20% आपने इसको गार्डन सॉइल लिया है तो 10% सैंड और 5% इसको पुराने गोबर की खाद मिला करके लगा सकते हैं। आप जब इस प्लांट को लगाते हैं तभी आप इसको फर्टिलाइज़र दे दीजिए। इसको बार बार फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, और देखने में फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये। ये अभी येलो फ्लावर खिले नहीं है पूरी तरह से, देखिए। इसके ब्लैक कलर के छोटे छोटे से सीड होते हैं जो शाइन करते हुए होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं दिखाती हूँ, इसमें ये देखिए ये छोटे छोटे से ये सीड आपको ये बिल्कुल ये फ्लावर के नीचे नीचे से ये देखो दिखाई दे रहे होंगे।
बारिश में इसमें पेट्स के अटैक होते हैं, जो इनकी लीफ को थोड़ा सा उसमें ये होल कर देते हैं, तो इसमें बीच बीच में आपको किसी भी फंजीसाइड या का स्प्रे करते रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।